आज के टॉपिक में हम समझेंगे फॉर्म 26 एएस में जब हमारा टीडीएस रिफ्लेक्ट होता है और एक्चुअल टीडीएस जो हमारा कटता है वो डिफर कर जाता है बहुत भारी, तो हम क्या करें, हमें समझ नहीं आता। पहले आप सब समझो इसका सोर्स क्या है। जो डिटेक्टर होता है जो आपका टीडीएस काटता है वो क्वार्टरली एक टीडीएस रिटर्न भरता है, कोई भी हो, 192 सेक्शन हो, आपके जितने भी अदर सेक्शन हो, सब में 194J हो, सब की क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न जाती है और वो वेंडर वाइज डिटेल भरता है और टीडीएस को अपलोड करता है। जैसी टीडीएस रिटर्न को अपलोड करता है और वो डिपार्टमेंट से अप्रूव हो जाती है तो वो टीडीएस कुछ दिनों बाद 26 एएस में रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो क्या क्या डिटेल भरता है, लाइक नेम ऑफ द डिडक्टी, किसका उसने टीडीएस काटा, उसका पैन नंबर क्या था, कितना अमाउंट था, क्या रेट था एंड सो ऑन। तो सपोज द पैन गलत डाल दिया, किसी और का पैन डाल दिया जो बंदा आपका टीडीएस काट रहा था, तो आपका 26 एएस में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा सही तरीके से। सो अगर हम इसे पढ़े, एवरी पर्सन डिडक्टिंग टीडीएस हैज टू फर्निश डिटेल्स ऑफ टीडीएस डिडक्टेड बाय हिम टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कैसे फर्निश करता है, थ्रू टीडीएस रिटर्न। क्या क्या डिटेल्स भर रहता है, मोटा मोटा है ये, नेम ऑफ डिडक्टिव, पैन नंबर, अमाउंट ऑफ टीडीएस, अमाउंट पे टू डिडक्टिव। सबसे ज्यादा गलती पैन नंबर में जाती है, पैन गलत डाल देता है, ए के बदले बी कर दिया एंड सो ऑन। जब टीडीएस रिटर्न जमा हो जाती है तो 26 एएस आपका रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है कुछ समय बाद। फिर एसएससी 26 एएस डाउनलोड करता है और देखता है कि मेरा टीडीएस कम काटा है, ज्यादा काटा है, या ये गलत क्रेडिट रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो अगर आपका टीडीएस कम काटा है या ज्यादा काटा है एज अ केस में भी, तो आपको जिस बंदे ने टीडीएस काटा है उसको अप्रोच करना पड़ेगा। अप्रोच करने के बाद उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि टीडीएस रिटर्न को रेक्टिफाई करो, और टीडीएस रिटर्न को जैसे ही रेक्टिफाई करेगा तभी आपका 26 एएस में अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा। पर लेट सपोज किसी ने टीडीएस काट के जमा करा दिया पर वो टीडीएस आपका है ही नहीं, इनकम भी आपकी नहीं है, तो आप उस टीडीएस को क्लेम मत करो और उसकी इनकम भी छोड़ दो। पर फिर भी आपको एक डिफेक्टिव नोटिस का रिटर्न आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा कि भाई ये आपने इनकम छोड़ी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टीडीएस क्रेडिट था, प्लीज़ कंफर्म कीजिए ये आपकी इनकम है या नहीं। आप उसमें रिप्लाई कर दीजिए ये हमारी इनकम नहीं है और ये हमारा टीडीएस नहीं है, इसलिए हम उसको क्लेम नहीं कर रहे। बाई चांस आपने क्लेम कर लिया और जिसका क्लेम करा उसने डिडक्टर से रिक्वेस्ट करा कि टीडीएस को अपलोड करो और वो टीडीएस रिटर्न जो टीडीएस टैक्स क्रेडिट वो गायब हो गया आपकी 26 एएस में, तो आपको फिर डिफॉल्ट नोटिस आ जाएगा जिसमें आपने फ्रॉडली टीडीएस क्रेडिट क्लेम करा है। तो प्लीज़ जो भी टीडीएस है आपका जो एक्चुअल बनता है सिर्फ वही क्लेम कीजिए, ना ज़्यादा ना कम, और बिल्कुल नहीं है उसको मत कीजिए। अगर आप वो क्लेम भी कर लेते हो और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, बस कुछ दिनों बाद जब टीडीएस रिटर्न दूसरे वाला रिवाइज करेगा तो वो आपका टैक्स क्रेडिट रेक्टिफाई हो जाएगा, गायब हो जाएगा और आपको नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स से। सो मैनी टाइम एक्चुअल अमाउंट ऑफ टीडीएस एंड टीडीएस क्रेडिट एज अपेयरिंग 26 एएस मे डिफर। इट मे हैपन दैट द टीडीएस क्रेडिट अपेयरिंग 26 एएस मे बी लेस एज कम्पेयर टू एक्चुअल टीडीएस। रीजंस लाइक नॉन फर्निशिंग ऑफ टीडीएस डिटेल टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय डिडक्टर और डिडक्टिंग टीडीएस इन रॉन्ग पैन नंबर। इन सच केस डिडक्टी को क्या करना चाहिए, डिडक्टर से अप्रोच करे, उसे बोले रेक्टिफाई कर दे रिटर्न को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल देन अपडेट द टीडीएस डिटेल फॉर्म 26 एएस ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल प्रोवाइडेड बाय पर्सन डिडक्टिंग द टैक्स। हैंस इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ डिडक्टर लाइक नॉन फर्निशिंग ऑन टीडीएस डिटेल और योर पैन नंबर, देन 26 एएस विल नॉट रिफ्लेक्ट योर एक्चुअल टीडीएस। तो मेन पॉइंट कौन है आपका, मेन पॉइंट डिडक्टर है। जब तक डिडक्टर आपका रेक्टिफाई नहीं करेगा तब तक इनकम टैक्स में 26 एएस नहीं आएगा। तो जो आपका टीडीएस बनता है, लेट सपोज आपके फॉर्म, आपके पास फॉर्म 16-16 है, उसके बेसिस पे आप क्लेम कर लो, 26 एएस आपने मेल डाली, डिडक्टर को वो रेक्टिफाई नहीं कर रहा, तब भी आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद जब आपके पास नोटिस का आएगा कि आपने ज़्यादा क्लेम कर लिया, कम के कर लिया, तो आप रिप्लाई कर सकते हो और साथ में अपना ई पोर्टल पर आप अपना फॉर्म्स को जमा करा सकते हो कि ये इस बेसिस पर हमने क्लेम करा है, इतना मेरी इनकम थी, इतना मेरा डिडक्टर था और इतना मुझे फॉर्म 16 या 16A इशू हुआ था, उसके बाद भी रिफ्लेक्ट गलत करा है, तो फिर इनकम टैक्स आपका कुछ नहीं करेगा, आपको छोड़ देंगे वो।